नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, वर्ष 2023 का सबसे ऊंचा भाव रियावन सिल्वर का आज बिका है नीमच मंडी के अंदर पूरे 21,000 के भाव में। वीडियो बताने से पहले किसान मित्रों, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि जो हमने पिछले एक वर्ष से लहसुन के अंदर जो मेहनत करी है उसका जो रिजल्ट है वो अब आना शुरू हो गया है। किसान अपने मंदसौर जिले के, नीमच जिले या रतलाम जिले से नहीं है, किसान जो है बहुत दूर से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर वहां पर खेती करके नीमच मंडी के अंदर अपना जो लहसुन है वो बेचने आया है। और बेचने का स्टाइल भी जो है उन्होंने कहां से सीखा है, कहां से मोटिवेशन लिया है और किस प्रकार की पैकेजिंग करके जो है किसान मित्र लेकर आया है। किसान मित्रों, ये जो चीज़ें हैं जो कम जो बहुत ऊँचे दामों पर बिकती है, बहुत अच्छी क्वालिटियाँ होती हैं, हल्के हल्के जो दाम हैं, जो हल्की लहसुन है, एवरेज लहसुन है, वो एवरेज के हिसाब से बिकती है। और जो होता क्या है कि बहुत सारे किसान मित्र कमेंट कर देते हैं कि बोले कम था इसलिए बिक गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी किसान है, मैं किसान हूँ, आप भी किसान हैं, आप थोड़ा थोड़ा माल बेचकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे या एक साथ बहुत ज़्यादा माल बेचकर आप कम पैसा कमाना चाहेंगे? आपका डायरेक्टली आपने कोई भी फसल लगाई है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लगाई है या कम पैसा कमाने के लिए लगाई है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा माल बेचकर अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको कम कम बेचने में क्या समस्या है? और बहुत सारे किसान मित्र सोचते हैं बोले 3 बॉक्स 4 बॉक्स। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो अच्छी क्वालिटी की जो लहसुन होती है ना, उसको सफाई करने में ही एक दिन में एक व्यक्ति केवल एक बॉक्स साफ कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। और सारा जो पूरा फैक्टर है वो मेहनत का होता है। तो किसान मित्रों, इससे पहले मैं आपको किसान से मिलवाऊँ उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। किसान है सीहोर जिले के, ग्राम राजूखेड़ी के किसान है और इससे पहले नीमच मंडी के अंदर वो पहली बार ही गए। इससे पहले मंदसौर मंडी के अंदर आपने अगर सुना हो तो 16,000 के भाव में जो अपना जीटू लहसुन है वो बेच के गए थे और कम नहीं, लगभग 80 बॉक्स के आसपास माल थे। आज भी वो अपने लगभग 92 बॉक्स लेकर, रियावन सिल्वर के जो बॉक्स हैं वो लेकर नीमच मंडी गए हुए हैं। उनमें से कुछ बॉक्स हैं वो पूरे 21,000 बिके हैं। उनकी जो पैकिंग है वो भी बहुत शानदार करी है। उसके पीछे भी मैं आप वो भैया ही बताएंगे कि कहाँ से उन्होंने पूरा उसके जो उन्होंने मोटिवेशन लिया, क्या कैसे उनको पता लगा कि ऐसी पैकेजिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। जी कपिल भैया, जी ठाकुर साहब भैया, मेरा नाम ठाकुर प्रशांत मेवाड़ा हूँ, मैं सीओ से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे नीमच पे हमारे कपिल भैया के कहने पे लहसुन बेचने आया हूँ, जो मेरी 21,000 गई है और ये हर पैक मेरा आधा किलो का है। और ये मेरे कृषि जानकार चैनल, जो मेरे कपिल भैया इसके संपादक हैं, जो इन्होंने ये चैनल बनाया, इन्हीं के माध्यम से मैंने ये पैकिंग की है और उन्हीं के कहने पे ये मैंने नीमच मंडी में आज मैं लहसुन क्रय करने के लिए आया था। तो मेरा बहुत अच्छा माल, सुपर माल गया ये 21,000, मैं इससे बहुत खुश हूँ। आधा किलो पैकिंग? जी भैया, आधा किलो पैकिंग में। मैं कृषि जानकार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरी तरह और भी मेरे किसान भाई इससे जागरूक हो और अच्छा उचित दाम प्राप्त करें, धन्यवाद। जैसा कि किसान मित्रों आपने देखा, आज है 3 जुलाई 2023 और आज पूरे 21,000 के भाव में 3 बॉक्स बिके हैं रियावन सिल्वर के। और पैकिंग भी आपने देखी, जाली के अंदर एक छोटी छोटी आधा आधा किलो की पैकिंग किसान मित्र ने करके रखी थी और मैंने उनको कहा था कि इस प्रकार की पैकिंग की आप शुरुआत करिए। मैंने अपने यहाँ पर कुछ सैंपल रखे थे कहीं पर पहुँचाने के लिए एग्जीबिशन में, तो उनको देखकर भैया को एक मोटिवेशन आया कि भैया मैं भी एक बार करके लेके जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा, जाली भी उपलब्ध हो, उन्होंने अपने खुद से करी और आधा आधा की किलो की जो पैकिंग है वो पूरी करके लाए हैं और पूरे 21,000 के भाव में उन्होंने लहसुन बेचा है। ये नॉर्मली अगर ओपन बॉक्स में होता तब भी 21,000 बिकता, क्योंकि क्वालिटी कुछ इस प्रकार की है। और किसान मित्रों, अगर आपके पास अच्छा माल है तो आपको बेचने के अलग अलग तरीके जो है वो ईजाद करने पड़ेंगे। आपको किसान न बन के हुए किसान की जगह पे आपको व्यापारिक दिमाग से सोचना पड़ेगा। आप खेती को पूरा व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें और इस प्रकार से कुछ इनोवेशन करें अपनी खेती में। तो ये पैकिंग आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और गुरु पूर्णिमा उत्सव है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको भाव कैसा लगा? और किसान मित्रों, अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है, आपने बहुत अच्छा माल कमाया है, तो आप थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहिए। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से हमने जो सोच कर मेहनत करी थी उस प्रकार के जो भाव हैं आप सभी किसान मित्रों को मिल रहे होंगे। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।